दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर, आप लाइव मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। हम इस चैनल में ट्रैवल वीडियोस, टेक न्यूज और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा लास्ट वीडियो MI2 अनबॉक्सिंग के ऊपर था, तो जिन लोगों ने अब तक ये वीडियो देखा नहीं होगा वो लोग जरूर देखे, और जो व्यूअर्स पहली बार चैनल में आए हो वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूले, और जरूर देख ले मेरा वो MI2 का अनबॉक्सिंग का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो डेटा एंट्री फ्रॉड के ऊपर है, जैसा कि आपने वीडियो थंबनेल में देख लिया होगा, विद कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड प्रूफ्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा मुझे एक किस्सा। कुछ महीनों पहले मैंने एक डेटा एंट्री फ्रॉड पे वीडियो बनाया था, और उस पे हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों से, लोग तो नहीं कहूंगा दोस्त कहना चाहिए, उनसे कमेंट आया था। और डेटा एंट्री फ्रॉड जो हमारे देश में चल रहा है उसके बारे में हमें जानने को मिला था। तो ऊपर दिया हुआ है इन्फो कार्ड, वहां आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दिया रहेगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए और कमेंट जरूर पढ़िएगा, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि डेटा एंट्री का जो फ्रॉड चल रहा है वो किस तरीके का होता है और क्या क्या कंप्लेंट्स आते हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास एक यूजर आए जिनका नाम था सचिन, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। तो सचिन जी, अगर आप सुन रहे हो या देख रहे हो ये वीडियो, तो नमस्कार मेरी तरफ से। और आगे ये हुआ कि सचिन जी ने उस कंपनी के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर किया। तो कंपनी का नाम मैं बता नहीं सकता, वो YouTube पॉलिसी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो पकड़ लीजिए वो कंपनी कंपनी एक्स है। अब इस कंपनी एक्स में सचिन जी ने सबसे पहले बात किया, रजिस्ट्रेशन जो होता है रजिस्ट्रेशन फीस का बात हो गया, और उसके बाद आया एक कॉल वेरिफिकेशन जिसमें आपको पॉलिसीज के बारे में बताया गया था। तो वो कॉल वेरिफिकेशन हम लोग पहले सुन लेते हैं। फ्रॉम कॉल वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड टू एक्सप्लेन यू द टर्म्स एंड कंडीशंस। योर प्लान इज ऑफ 1500 फॉर्म्स व्हिच यू हैव टू कंप्लीट इन 10 डेज, एंड फ्रॉम 1500 फॉर्म्स 1350 फॉर्म्स आर योर कट ऑफ फॉर्म्स। इफ एट अ टाइम टू लॉग इन टू लॉग आउट टू IP एड्रेसेस आर फाउंड while working, and if your browser is upgraded or degraded, then your ID will be terminated. At the time of final submission of 1500 forms, one PDF file will be generated automatically. You have to download that file for your backup and send it to our helpline mail ID. You will get your QC report of randomly pages. When you put payment request, you will get your payment after 7 working days. If your work is not submitted or failed, then you have to pay ₹4,900 as utility charges. If you complete your work with all your terms and conditions, then from your payment ₹4,900 will be deducted. If you have any query or doubt, then you can call our helpline number or else you can mail us. सबसे पहले तो ये automated call नहीं था, और अगर automated call था तो मोहतरमा बहुत ज्यादा fumble कर रही थी। अब बात करते हैं privacy policies जो कॉल में बताया गया उसके बारे में। तो यहाँ क्या कहा गया था कि 1500 फॉर्म फिलअप करने हैं, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, 1350 फॉर्म्स फिलअप करने का कट ऑफ है, और इसके बीच में आप आईपी चेंज नहीं कर सकते, ब्राउजर को अपडेट डिग्रेड नहीं कर सकते, 10 दिन का जो टाइम है वो बहुत ही कम है सबसे पहले। और इसके बाद आता है पेमेंट का है, पहले आपको जब आप सबमिट करते हो तो PDF जनरेट होता है, वो सबमिट करना पड़ता है, फिर QC रिपोर्ट निकलेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे रैंडम पेजेस हर पेज के बेसिस पे, और उसके बाद आपको पेमेंट देंगे। तो पेमेंट देने से पहले उन्होंने कहा इसके बीच में अगर आप फेल कर जाओ सबमिट करने में तो आपको ₹4,900 यूटिलिटी सर्विस के हिसाब से पे करना पड़ेगा उन्हें। अब फिर कहा गया उसके बाद ही कि पूरा वर्क हर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को मान के अगर सबमिट किया गया तो पेमेंट में आपसे ₹4,900 वो लोग यूटिलिटी सर्विस हिसाब से काट लेंगे। तो असल में उनको काटना ही है पूरा, तो किस हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा, पेमेंट तो कुछ मिलने वाला है नहीं ज्यादा उसका मतलब। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग कॉल वेरिफिकेशन जो हुआ, जो ऑडियो आपको सुनने को मिला वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। अगर आप फिर से सुनना चाहते हो जाके बैक करके आप सुन सकते हो, वो चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो असल में क्या हो रहा है कि आप अपना जो है जो परिश्रम और टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो उसका वैल्यू आपको मिलने वाला है नहीं, तो इस कॉल वेरिफिकेशन से यही निकल रहा है। तो सचिन जी ने अपना काम स्टार्ट किया, सारे फॉर्म्स फिलअप किए, मगर उन्हें पैसा नहीं मिला, उल्टा थ्रेट कॉल्स आने लग गए कि हमारा पैसा दो, आपका इतना पेनल्टी चार्ज लगा है।
तो इस पे सचिन जी को बहुत ज्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन आ गया और उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। फिर सचिन जी ने एक आइडिया निकाला और अब आप जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे उसमें सचिन जी अपने आप को अपना बड़ा भाई कह के कंपनी एक्स जो हम बता रहे हैं उसके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं। और इतना अपशब्द कहां है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने वो आप सुन पाओगे, तो आगे चलते हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं पहले। हेलो हेलो जी सर बोलिए। अरे क्यों मैसेज भेज रखे है वो? क्या सर मैसेज क्यों भेज रखे है? लीगल 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 है जो प्रोसीडिंग है सर वो स्टार्ट है। अच्छा केस रजिस्टर हो चुका है, केस नंबर आपको मिल चुका है। क्या करना फिर हुआ? क्या करना फिर केस का? हिंदी में बोलो सर। हिंदी नहीं आती हम जाट हैं। ठीक है कभी मिलेंगे तो बताऊंगा कैसे समझाते हिंदी। ऐसा है ठीक है। और कुछ जब मिलेंगे तब बताएंगे ऐसा बोल रहे हैं ना? और कुछ? और कुछ तो ये है ना फोन करो ना मैसेज कर। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। आई एम पुलिस कैंडिडेट। ठीक है आई एम पुलिस कैंडिडेट बैच नंबर 376। कॉल किए हैं आपका जो ईमेल वगैरह जो आपने मुझे किए हैं ये सभी जो है ना भैया कौन सा एक मिनट तो वो सब जो है ना आपके ये हमारे यहाँ पे एड्रेस है। किस चीज का एड्रेस आपको पता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। मैंने आपकी हर चीज सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अफेयर्स लीगल का। ठीक है बाकी जो देखा जाएगा तो देख लीजिएगा ना भैया। फिर आप फोन ही कवर रहा तू नू बता तक तेन कितना फोन किया पहले तीन बार तेरा फोन था तो फिर मैसेज किया करता और तू बोलता मैसेज मत करना है ना भी ये। और जब आपकी कंपनी ने आपके क्लाइंट ने मेरा वर्क कैंसिल कर दिया है तो फिर आप क्यों फोर्स कर रहे हो मेरे भाई को? वर्क कैंसिल कब हुआ था? वर्क उनसे मेरे आप अपने क्लाइंट से बात करो पहले। ठीक है आप बात करो। मैं बात कर चुका हूँ। बात करो मैं मालूम है आपको 24 घंटे के अंदर आपका वर्क कैंसिल करवाना रहता है ऐसा एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है। 11 तारीख को आपका ईमेल डाल रहे हो और कोई कुछ भी मैसेज कुछ भी ईमेल करके मुझे भेज रहे हो। पागल समझ के रखा है क्या सर मुझे यहाँ पे? आपको नहीं समझ रखा जो मैंने कहा ना मैं अपनी जगह ठीक हूँ मेरा भाई ठीक है अपनी जगह बाकी आपका ठीक है। गूगल पे आपकी जो कंपनी है आपका जो क्लाइंट है मैंने उसके बारे में सब पढ़ लिया है। ठीक है और ये है कि ना फोन करना मैसेज कर ना तेरे को कभी मिलेंगे। अगर तेरा फोन आया तो फिर तेरा मैसेज आएगा तभी तो फोन करूंगा मैं। सुन मेरा मैसेज आ गया ना तो जा भाई तेरे अकाउंट में लाख रुपया मैं करवाऊंगा। जाट का लड़का जाट मैं कह रहा हूँ मैं जाट हूँ हरियाणा का। अगर मेरा फोन मैसेज आ गया तो बता दियो और तेरा भी नहीं आना चाहिए। मेरा मैसेज भी आएगा फोन भी आएगा। ठीक है तूने मुझे कल बोला था मैंने करके बता दिया फोन काट के तुरंत मैंने तुझे कॉल लगाया था तुझे कर लेना तू सोफा की कॉपी वहाँ पर रजिस्टर करवा फैक्स नंबर भी साथ में भेज दे मेरे ईमेल पर मैं जो भी है तेरे पुलिस स्टेशन में ही भेजता हूँ। पुलिस स्टेशन की बात कर रहा है ना तू वेट मत करो जल्दी भेज बोला तेरा बैच नंबर और एक बार बोल तूने सामने से तेरा बैच नंबर बोला बोल व्हाई हु द हेल यू आर व्हाई आई टेल यू माय बैच नंबर ओके तेरा बैच नंबर बोल क्यों बोलूं कौन होते हो मेरा बैच नंबर जानने वाले बैच नंबर बोल नहीं तो मुझे कॉल कट करके पूरी कॉल रिकॉर्डिंग मुझे फिर से सुननी होगी तो बोल फटाफट सुन लीजिए बोल नहीं बोल मेरा बैच नंबर 98 गोड़े लाठी क्या 98 गोड़े एक लाठी जाट का भी जेऊ ऐसा है 98 दो घोड़े एक लाठी तेरे कान में घुसा दूंगा। अच्छा बिल्कुल मैं कोड हो जाऊंगा आप क्या क्या घुसा देना। हाँ और अब दोबारा कॉल मत करना और ठीक है अगर आप रिप्लाई करवा दू अगर आप अपने बात करके हो ना एक बार मिल लो हरियाणा में कहीं भी बस और बाकी देखते हैं आप मुझे तो कुछ बात की लगता है एक बार बोलूंगा तू मुझे
अबे तू पुलिस वाला है ना, तू पुलिस वाले की जैसा काम करना, ये तू पुलिस वाला है ना, पहले जैसा काम कर। वैसे भी मैं तेरा अभी जो भी तेरे बैच नंबर बोला ना उसको ट्रेस करवाता हूँ, पुलिस स्टेशन का भी पता लगाता हूँ। अगर वो नहीं होगा ना तो तेरे बराबर दो घोड़े एक लाठी तेरे कान में बराबर का डूसा होगा, टेंशन मत ले। कोई दिक्कत नहीं, क्या बोला है तूने, किसको बोला है तुझे अभी मालूम पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, मैंने किसको बोला मुझे सब पता है, ठीक है। बाकी बोल रहा थी अभी, और दोबारा करना मत साले, तेरे को बता रहा हूँ तू फोन मत करियो, ठीक है ना। मैं तो डेली करूँगा अभी इसको, एक नया मैसेज। तो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के जरूर आप दंग रह गए होंगे, एक कंपनी है यार वो, और अगर हम अपने आप को वहां का, हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां का, तो हम वहां के कैंडिडेट हुए या पकड़ लीजिए एम्प्लॉय हो गए या कस्टमर भी कह सकते हो, और एक कंपनी का फीडबैक इस तरीके का आता है, वी कांट एक्सपेक्ट दैट। तो क्या कह सकता हूं, आगे यही हुआ कि सचिन जी को उसके बाद अभी तक कोई कॉल वैसा आया नहीं है, और ये जो पूरा चीज है इसमें यही समझने को मिलता है कि उन्होंने जो परिश्रम और समय दिया था इस चीज में, मेहनत लगाई थी, वो व्यर्थ गया। तो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू यही कहूंगा कि इन सब चीजों में न जाए, और क्योंकि आपका परिश्रम, आपका मेहनत, आपका टाइम सारा ही वेस्ट जाएगा, उल्टा आप पे थ्रेट कॉल्स आने लगेंगे, लीगल एक्शंस भी कभी कभार लेने की कोशिश करते हैं, दो वो इतना वैलिड नहीं है, पर वो ये सारे चीजों का भी हथियार उठाते हैं। तो इन सब में मत जाइए, और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप, ये रहा मेरा मेल आईडी, आप इस पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास, आप ऑलरेडी इस चीज में फंसे हुए हो और आपके पास प्रूफ भी है, तो आप वो सारी चीजें मुझे सेंड कर सकते हो, हम आगे ऐसी इसी तरीके से वीडियो बना के हम इस चीज का अवेयरनेस फैला सकेंगे, एक साथ दूसरों की हेल्प कर सकेंगे। और यही कहूंगा कि जो नए या फिर सोच रहे हो डेटा एंट्री में जाने का, मत जाओ इसमें। इसमें इस तरीके के कंपनीज, इतने ज्यादा कंपनीज हो गए हैं फ्रॉड कंपनीज जो इंडिया में है, वो आपका परिश्रम, आपका मेहनत, आपका जो टाइम है वो वेस्ट जाएगा, इसमें व्यर्थ हो जाएगा। तो मत जाइए, और आगे वीडियोस और आते रहेंगे, यहीं पे वीडियो को करता हूं एंड। और टेक न्यूज, ड्रामास और ट्रैवल वीडियोस आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए विजिटर्स हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।